आपका आज वीडियो स्वागत आज वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है आंसू रोक नहीं पाओगे छत्रपति संभाजी महाराज के स्टडी डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लिए मैं लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हे आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसे इंसान की बात करूंगा हो सकता है आपकी आत्मा कांप जाए। एक बात कहूं वीडियो पूरा देखिएगा अगर हिम्मत है आप में तो और कोशिश करिएगा कि अंत में रोएं भी ना आप। इनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का वीडियो देखा था। ये उनके ज्येष्ठ पुत्र 1657 में इनका जन्म हुआ। बचपन से आखिरी तक केवल संघर्ष। 2 साल की उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया। माँ जीजाबाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी यानी कि इनकी दादी उन्होंने इनको पालन पोषण किया। सोचता हूं कहां से शुरू करूं और कहां लेके जाऊं। अद्भुत बालक जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता लगना जरूरी है। 13 साल की उम्र तक 13 भाषाएं सीख चुके थे। 13 साल की उम्र तक संस्कृत के विद्वान पंडित सारी रीजनल भाषाएं भारत की पुर्तगालियों की भाषा अंग्रेजों की भाषा मुगलों की भाषा साउथ इंडियन लैंग्वेज सारी डेक्कन भाषा कई शास्त्र लिख डाले। ध्यान दीजिएगा शास्त्र पढ़ डाले नहीं बोल रहा। 13 साल की उम्र तक 13 भाषा और कई शास्त्र बुद्ध भूषण और नक्शिका जैसे वो शास्त्र और कई शास्त्र जहां पे इन्होंने अपने रायगढ़ के किलों की बात करी। गणपति का बहुत सुंदर गुणगान किया। हॉर्स राइडिंग आर्मरी तीरंदाजी और बॉडी बिल्डिंग इन सब में तो इतने पावरफुल थे। एक्चुअली ना अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है शस्त्र और शास्त्र दोनों के। जो बच्चा या जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ने में बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है ना फिर उससे शस्त्र उठता नहीं और जो शस्त्र उठा लेता है वो शास्त्र पढ़ने में निपुण नहीं होता। अद्भुत बाल साहित्यकार जो साहित्य पढ़ता भी था और साहित्य लिखता भी था। हुआ क्या बुद्धि और बल दोनों बढ़ गया। 60 किलो की तलवार लेके 16 साल की उम्र में पहला युद्ध रामनगर का जीता। छोटा बच्चा होता है ना उसका मन होता है कि पिता के साथ समय बिताए पर पिता उस समय मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त हो चुके थे। लेकिन एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अभी ये 9 साल के थे संभाजी महाराज इनको क्या बोले मेरे साथ चलो आगरा जा रहा हूं मैं वहां के मुगल शासक औरंगजेब से मिलने और घोड़े में बिठा के 1250 किलोमीटर ध्यान दीजिएगा घोड़े में 1250 किलोमीटर 9 साल का बच्चा पिता के साथ पीछे बैठ करके पहुंच गया आगरा। आगरा में क्या हुआ ये देख के हैरान हो गया छोटा सा बच्चा। वहां मुगल सल्तनत के राजा उस समय जापाना क्या किया इनकी पहले तो बेइज्जती करी उसके बाद इनको कारागृह में बंदी बना लिया। ये बच्चा घबराता नहीं था ये करेज इतना था कि वहीं बैठ के सोचने लगा कैसे निकलूं कैसे पिता को निकालूं कैसे निकलूं। पहले तो पिता को बाहर निकाला कुछ दिनों के बाद खुद भी वहां से गायब हो गया। रायगढ़ पहुंच गया 10 साल की उम्र में इसको महाराज ऑफ आमेर के पास भेज दिया गया कि कैसे पॉलिटिकल अलायंसेस को और समझ सके। यही 2 इंसिडेंट इसके लिए बहुत हो गए थे कि कैसे ये समझे और उसके बाद तैयारी करने लगा। हर सफल शासक के पास कोई ना कोई बुद्धिमान सलाहकार जरूर रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य पंडित थे जिन्होंने धनानंद के सारे साम्राज्य को उखाड़ा था। ठीक इसी प्रकार इन्होंने उज्जैन के कवि को कवि कलश उनको अपना सलाहकार एडवाइजर फ्रेंड फिलोसोफर गाइड बनाया जो अपनी कविताओं के माध्यम से इनकी विचारधारा को तैयार किया करते थे इनकी सोचने की क्षमता इनके बैरियर को खत्म करते थे। वो उनके ऐसे महान इंटेलिजेंट एडवाइजर थे जो हमेशा इनके कवि कलश को ही हमेशा अपने साथ रखते थे। पिता अभी युद्ध लड़ने में बिजी थे इन्होंने 19 साल की उम्र से पिता के पीछे से अपने रायगढ़ के किले को संभालना शुरू कर दिया। 23 साल की उम्र में 1681 में पिता छत्रपति शिवाजी महाराज वीर मराठा उनका देहांत हुआ। इन्होंने 1 मिनट समय नहीं देर गवाया तुरंत तैयारी करी। तुरंत क्या तैयारी करी औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा किला और यह सोचने लगे कि हमारे पास आज धन की तो कमी है और अगर इसके किले को पहली बार में मैं उखाड़ दूं इनका धन घटेगा मेरा बढ़ेगा डबल बेनिफिट। औरंगाबाद की इस बड़ी लूट और बड़ी हार ने औरंगजेब को एकदम हैरान कर दिया। औरंगजेब ने सोचा भी नहीं था कि 23 साल का ही तो बच्चा है ये ऐसा कैसे कर सकता है और इसने अपने हुसैन अली खान
नाम का अपना सबसे बड़ा जनरल उसको 20,000 हाथी और सैनिकों के साथ, घोड़ों के साथ, पशुओं के साथ भेजा कि इसको ख़त्म कर। हुसैन अली खान बोला कि 2 दिन में ख़त्म कराऊंगा, 2 दिन में ख़त्म। वहां पे मराठा इतने तेज, और इसका जो करेज था ना, इनकी लीडरशिप बड़ी पावरफुल थी, मराठा इकट्ठे हो गए और हुसैन अली खान को 1 साल लगा कुछ नहीं कर पाया। कई बार उसको मारा, इसने इसको वापस बुलाया और 1680, 81, 82 कई दफा अटैक कराया। अच्छा, एक भी लड़ाई नहीं। एक बात बताएं आपको, पूरे इतिहास के अंदर शायद छत्रपति संभाजी महाराज ही अकेला ऐसा योद्धा रहा होगा हमारे देश से जिसने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयां लड़ी लेकिन एक भी नहीं हारा। औरंगजेब सोचा पूरा नॉर्थ तो मैं जीत ही चुका हूं, अब तो केवल डेक्कन बाकी रह गया है। डेक्कन समझते ना, जो उस समय का जो दक्षिण था, अहमदनगर से नीचे लेके जो आज का केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, हैदराबाद, जितना भी आज पूरा देखते हैं महाराष्ट्र मिला के, वो सोचा कि बस ये डेक्कन जीतना बाकी रह गया है। तो वो महाराष्ट्र की तरफ जब बढ़ने लगा तो वहीं औरंगजेब ने एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश करी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कोशिश किया पुर्तगालियों के साथ गोवा में, ताकि समुद्री रास्ते से उनको एक और सपोर्ट मिले, उनके आर्म्स एंड एम्युनिशन मिडिल ईस्ट से आ सके। औरंगजेब बहुत तेज था, बोला सोचा नॉर्थ से भी सपोर्ट लूंगा, पोर्चुगीज लोगों को साथ रखूंगा, साउथ से और निकालूंगा, तीनों चारों दिशाओं से खदेड़ के खत्म कर दूंगा, ये तो छोटा सा बच्चा है। इन्होंने जैसे ही पता चला संभाजी महाराज को, सबसे पहले ये गोवा में घुस गए। गोवा में जा करके इन्होंने पोर्चुगीज को तो उखाड़ उखाड़ के बहुत फेंक फेंक के मारा और ये वापस आए, उसके बाद फिर लड़ने की तैयारी करी। मेरे हिसाब से छत्रपति संभाजी महाराज की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में एक अचीवमेंट तो यह रही कि उन्होंने 9 साल तक औरंगजेब को मराठाओं के बीच में घुमाता रहा। औरंगजेब एक्चुअली नॉर्थ छोड़ के यहां आ गया और मराठाओं के बीच में इतना घुमाया, 8 लाख की सेना, इनकी 20,000 की सेना, इन्होंने मराठाओं को इधर से मार उधर से मार, इतनी लड़ाइयां लड़ी, एक बार भी औरंगजेब जीत नहीं पाया। अच्छा हुआ ये क्योंकि इनको यहां बिजी रखा ना, जरा ध्यान दीजिएगा, तो उधर नॉर्थ में डेक्कन में बिजी रख करके उधर नॉर्थ में पंजाब के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर स्वदेशी सल्तनतें वापस तैयार होने लगी। उधर 9 साल का गैप मिल गया ना, तो 9 साल के अंदर स्वदेशी ताकतें फिर खड़े होने लगी, हमारे देश के हिंदू राजा वापस आए मुगलों से लड़ने के लिए। ये इसको गोल गोल घुमाते रहे, इतना गोल गोल घुमाया कि पूरे भारत को जीतने का गोल हाथ से छूट गया। गोल गोल घूमा, गोल नहीं पूरा हुआ। औरंगजेब वो कहां रुकने वाला था, उसने नई तरकीबें लगानी शुरू कर दी, नीचे से सिद्दीस को साथ में लिया, मैसूर के राजा को अपने साथ में लाया, पुर्तगालियों को फिर ताकतवर बनाया, चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी मराठाओं को। लेकिन ये उम्र से तो छोटे थे, लेकिन उम्र इनके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं, ऐसे करेजियस, कॉन्फिडेंट, पावरफुल इन डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप बड़ी अद्भुत, उम्र से काफी आगे चल रहे थे, इनोवेशन बिल्ड करने शुरू कर दिए। चूंकि धन पैसा कम था तो उन्होंने क्या किया, अपने इलाके के सारे मोचियों को और दर्जियों को इकट्ठा किया, उनको बोला आओ पेड़ से ना रबड़ का कपड़ा बनाओ निकाल करके, और लकड़ी की छालों को निकाल के तीर बनाओ, रबड़ के कपड़े को उसके आगे लपेट दो, एक तरफ तेल लगाओ दूसरी तरफ बारूद लगाओ, रबड़ का कपड़ा जल्दी जलता नहीं है, और तेल जला करके तीर को छोड़ दो, जैसे ही जाके निशाने पर टकराएगा उसका जो गन पाउडर है बारूद वो विस्फोट करेगा, भयंकर तबाही मचाएगा। नए नए इनोवेशन लेके आए, मैं बोल रहा हूं ना बुद्धि से बहुत तेज थे। औरंगजेब को भी तो मानना पड़ेगा ना, हाँ हारते थे मार खाते थे फिर खड़े हो जाते थे लड़ने को, हारते थे मार खाते थे फिर खड़े हो जाते, और अकेले नहीं लड़ते थे, लोगों को साथ में लेके मराठाओं को घेरने में। ये चिक्कादेव राय नाम का एक राजा था जो इनके साथ पूरी तरह मिल चुका था, इसने क्या किया, छत्रपति संभाजी महाराज ये सबको बोल दिए, एक ने भी अगर औरंगजेब के धर्म परिवर्तन के मिशन में मदद करी उखाड़ के सारी नस्लें खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मराठा हूं मैं, अपने देश के लिए काम करता हूं। और वो चिक्कादेव राय के बाद पुर्तगालियों को और सिद्धियों सबको खत्म करते चले गए। सबसे एक बात ना औरंगजेब के समझ में आ गई कि ये जो लड़का है ना, इसको मार नहीं सकते, इसको हरा नहीं सकते। संभाजी राजे भोसले 9 साल तक इनको पीटते रहे, मारते रहे, समझ में आ गया औरंगजेब इसको नहीं हरा सकते, सामने से तो नहीं लड़ सकते, कुछ और क्यों ना करें। और वहीं इनके जो साले साहब थे ना, जो इनकी पत्नी के भाई, संभाजी राजे भोसले की पत्नी के भाई, वो उनको इन्होंने वेतनदारी देने से मना किया, इसकी खबर लग गई। तो वही 1689 का समय, गनोजी शिर्के ने इनको, ये एक ना किसी गुप्त मीटिंग के लिए अपने पार्टनर जो उनके कवि कलश, उनके साथ कहीं गए थे संगमेश्वर में, और वहीं गनोजी शिर्के ने
इनके एक जनरल को आर्मी के औरंगजेब के उसको बता दिया कि ये गुप्त रास्ते से जाओ, इनको आप खत्म कर दोगे। और वो लेकर के मामूली से 2000 लोगों को लेकर पहुंच गया इनको पकड़ने के लिए। 800,000 लोग तो हरा नहीं पाए, इनको पता था नहीं हरा सकते, 2000 से हारना पड़ा। क्यों? क्योंकि धोखा दिया गया। गनोजी शिरके बेईमान हो गए, अपना परिवार का इंसान बेईमान हो गया। हाँ, हमें तो गनोजी शिरके ने लूटा, औरंगजेब में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जिधर पानी कम था। गनोजी शिरके ने वो गुप्त रास्ता औरंगजेब के जनरल को बता दिया। ये लेकर के सिपाही सेना वहां जाके पहुंच गए, निहत्ते जाकर के उनको पकड़ लिया, कब्जा लिया, साथ में कवि कलश और इधर छत्रपति संभाजी महाराज, दोनों करते क्या ना करते, 800,000 लोग मिलकर के नहीं इनसे लड़ सके। चोरी से इनको जाके पकड़ लिया। औरंगजेब अंदर तक खुन्नस खाया हुआ था संभाजी महाराज से। कवि कलश संभाजी महाराज को लेके ऊंट से उल्टा टांग दिया, उल्टा टांग के पूरे शहर में घुमाया, बहुत मारा पीटा, लोगों को बोला इन पे मूत्र त्यागो, इनको मारो, पत्थर फेंको। उसके बाद बुला के बोला, तीन प्रश्न, मराठा किंगडम मेरे हवाले कर दो, ट्रिब्यूटरी प्रिंस बना दूंगा, जो सोना गहना छुपाया चोरी किया है मुझको वापिस कर दो, और किसने तुम्हारी मदद करी उसका नाम बताओ, तीसरा अपना धर्म परिवर्तन कर लो, ये तीन काम कर लो, आज ही जीवित बचोगे और मेरे साथ रहोगे, ताकतवर बना दूंगा तुमको। संभाजी महाराज और कवि कलश की आंखों में इतना सा भी डर नहीं था। उसको बोले कि मैं मराठाओं की जमीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, अपने धर्म का बलिदान नहीं करूंगा, 1000 बार मारो, अगली बार फिर जन्म लूंगा, अपने ही धर्म में लूंगा। रुका नहीं औरंगजेब, इन दोनों ने अन्न जल का त्याग कर दिया और शरीर को लेकर सुन्न हो गए, वो उनके नाखून उखाड़ते चले गए, आंखों में मिर्चियां डालते चले गए। उसके बाद जलती सलाखें लेके आंखों में डालते वक्त फिर पूछा, उसको भी डाल दिया। ये बोले नहीं कुछ भी, ये शांत खड़े रहे, पीड़ा बहुत हुई लेकिन ये नहीं बोले हमको छोड़ दो, माफ कर दो, उंगलियां काटनी शुरू करी, पांव की काटी, पांव काटे, हाथ काट दिए, बालों को उखाड़ दिया, वो हाल किया। उसके बाद धीरे धीरे खाल उतारने लगे, हर बार पूछते थे तीन प्रश्न, अपना धन दे दो, जमीन दे दो, धर्म परिवर्तन कर लो। ये सुन खड़े रहे वहां पे। ये दर्दनाक सिलसिला 40 दिन तक चलता रहा। औरंगजेब रोज शाम को आके उनसे पूछता था, बता दो बता दो, और आखिरी में बोला कि मैं तुम्हारे आगे हार मान गया, मेरी 4 संतानें, अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता ना संभाजी महाराज, पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता, इस देश को, भारतवर्ष को मुगल सल्तनत बना देता, तेरे आगे मैं हार मान गया, काट डालो उसका शरीर, काट डालो उसका शरीर, टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके, वाघ नख लेके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको बोला नदी के पास फेंक दो। समस्त मुगल राजाओं में औरंगजेब एक अमानवीय इनह्यूमन राजा था। बहरहाल मौका मिल गया सारे मराठाओं को एक होने का। उन्होंने शरीर के टुकड़े उठाए शंभूजी महाराज के, उनको सिल के उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन अब हर घर महल बन गया, हर औरत सेना में आ गई, हर पत्ता तीर बन गया, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, सारी मराठा कम्युनिटी एक हो गई। और उसके बाद दोबारा युद्ध छेड़ा गया, खत्म हो गया दक्कन का सुल्तान बनने का उसका सपना, कुछ ही साल के अंदर वहीं दक्कन की भूमि में मारा गया, वहीं खत्म हो गया। औरंगजेब देश को नहीं जीत पाया। गर्व है मुझे कि मैंने जन्म लिया ऐसे देश में जहां वीर मराठा संभाजी महाराज का जन्म हुआ, पर दुख है मुझे कि देश आज ऐसे वीरों को भूलता चला जा रहा है। आज मेरी, आपकी, हर मराठा की और पूरे देश की जारी है कि इनकी कहानी पूरे देश को पता लगनी चाहिए। इस वीडियो को आग की तरह पूरे देश में फैला दो, बंद मत कर देना, इस वीडियो को शेयर किए बिना लाइक करिए, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा कमेंट में मेरे को फीडबैक दीजिए, और किसका वीडियो आप देखना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हर बार इस तरह के वीडियो देखने के लिए दिल से आप सब। कल हमने जो है वो टीज़र देखा था, और जो है उस टीज़र से जो है हमें मालूम पड़ा जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे उनके बेटे का। लेकिन अभी क्योंकि जो हमने एक पूरी ये स्टोरी सुनी है तो उसे थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया कि भाई मूवी में जो है वो क्या दर्शाया जाएगा। लेकिन यार मैं कहता हूँ कि जो एक एंड पे क्रूरता के बारे में बताया गया, मेरे पास उसके लिए लिटरली अल्फाज नहीं है कि वो किस तरह से यार इतना, मैं इनह्यूमन ही मैं कहूँगा कि कैसे हो सकता है कोई। यार सही बात है, मतलब इतना जुल्म है तो सही बात है, मतलब स्टार्टिंग से हम लोगों को बात करनी चाहिए, लेकिन लास्ट तक आते आते जो चीज़ें सुनी और जो जुल्म देखा है उसको तो देखकर कसम से आप, वो कहते हैं ना कि एक तरह से दिल दहल जाना,
बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही थी, हालांकि ये हम एनिमेशन फॉर्म में देख रहे थे, और अगर हम लोग इमेजिन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ आवर माइंड ये चीज़ चल रही होती है, हम इमेजिन कर रहे होते चीज़ों को, तो आपको बहुत तकलीफ होती है कि कोई इंसान किस तरीके से इतनी तकलीफ किसी को दे सकता है। बाकी अगर हम लोग संघर्ष की बात करें तो वाकई में उनकी लाइफ स्टार्टिंग से लेकर मतलब लास्ट तक एक संघर्ष में ही गुजरी है, लेकिन अप्रोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो कि उनकी अप्रोच क्या थी। अभी आजकल के टाइम में अगर हम लोग मतलब आम लोगों की अप्रोच ले लें तो वो बहुत ही एक बेचारगी वाली आ जाती है, जिनके माता पिता में से कोई एक नहीं रहता तो। लेकिन जिस तरीके से मतलब एक वो बुद्धिमान थे और शस्त्र और शास्त्र दोनों का उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि मतलब एंशियंट टाइम में जितने भी आप प्रिंस देख लो, राजा महाराजा देख लो, मतलब उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि एक तरह से हर चीज़ से ना मतलब एक आप कह लो कि इंट्रोड्यूस करवाया जाता था, और बुद्धि का जो जिस तरीके से वो इस्तेमाल करते थे उसका बहुत ज़्यादा एक लोगों के ऊपर एक असर होता था। बट हाँ, एक चीज़ जो मैं अभी मतलब बोलूँगी कि मेरे लिए एक नहीं थी कि जैसे अभी भी हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हों तो उनके भी एडवाइज़र होते हैं, मतलब ये चीज़ काफ़ी टाइम से चलती आ रही है कि जितने डिसीजंस होते हैं वो खाली प्राइम मिनिस्टर के नहीं होते, उनके एडवाइज़र जो हैं जो उनको बताते हैं स्थिति को देखकर उनके मुताबिक होती है। लेकिन यहाँ पर संभाजी महाराज की बात की जाए तो उनकी भी इतनी ज़्यादा बुद्धि थी, और मतलब जिस तरीके से वो डिसीजंस लेते थे और जो वो मतलब एक वॉरियर दिखाए गए हैं, फिर उसके बाद उनका जो ज्ञान था उसके बारे में जो बीच में जिक्र किया गया, तो वाकई में इतनी सारे ट्रेड्स एक इंसान में होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जहाँ पे आपने बात की ना, जितने भी इनके सहायक आप कह लें कि आप कह सकते हैं सारथी कह लें, तो आपको ये चीज़ जो है ना मेरा ख्याल है बहुत लंबे अरसे से जो है वो देखने को मिलती है। आपको महाभारत के एरा में भी जो है वो ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद अगर जैसे मौर्य एम्पायर की बात करें, चंद्रगुप्त जी की बात करें, तो उनके एम्पायर में भी जो है वो ये चीज़ देखने को मिलती है। इवन के अगर मुगल एम्पायर में भी अगर बात की जाए तो आपको अकबर और बीरबल की कहानियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, और मराठा एम्पायर में भी जो है जब हम बाजीराव मस्तानी जो है वो देखते हैं, या और भी जो है हम मूवीज़ देखते हैं जो डिफरेंट एम्पायर से बनती है, तो आपको जो है ना ये चीज़ देखने को मिलती है कि बादशाह जो है वो अपने आसपास ऐसे लोग रखता है जो उससे जो है ना मशवरे जो हैं, या राजा हो वो मशवरे जो हैं वो उसे दें कि वो जो एक फ़ैसला ले रहा है वो सही है कि नहीं है। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मुग़लों के और भी बादशाह जो हैं वो रहे हैं, लेकिन उनके टाइम पर जो है ना इतनी क्रूरता जो है ना आपको नहीं देखने को मिलती जितना मुझे लगता है कि औरंगज़ेब के टाइम पर जो है वो आपको देखने को मिलती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई उसने बादशाहत के लिए अपने भाई का जो है वो गला जो है वो उतार दिया, ठीक। हाँ, उसने इवन के जो औरंगज़ेब का जो फादर थे शाहजहाँ, वो चाहते थे कि उनका दूसरा बेटा जो है, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, वो जो है गद्दी पर बैठे। अच्छा। लेकिन जो है उसकी गर्दन उतार कर बाप को जो है वो पेश की गई, ठीक है। हाँ, ओके, नहीं, फिर, मैं हैरान हो रही हूँ सबके, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ी इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, मेरा जेन से नाम निकल गया जो भाई थे दूसरे, और वो कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा सेकुलर थे, उनकी सोच और जो एक तरीका, हाँ, वो काफी ज्यादा डिफरेंस था। और जो है उसके बाद अगर देखा जाए तो औरंगज़ेब के टाइम पर जो है आपको जो गुरु गोबिंद सिंह जो हैं उनका भी जो है एक जो पूरा सिनेरियो जो है वो देखने को जो है मिलता है। और अब आपको ये भी जो है वो भी औरंगज़ेब के ही टाइम पर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ मैं इनके सुनकर और देख कर सोचो काफ़ी इनह्यूमन अगर देखा जाए तो ये चीज़ रही है। हाँ, काफ़ी ज़ालिम आदमी रहा है, मतलब अगर उसकी हिस्ट्री देखो जैसे हम लोग अब देख रहे हैं। मैं शायद दारा शेखू नाम था उनके भाई का। लेकिन एक चीज तुम ये देखो, अगर हम लोग मतलब जितना भी हमने हिस्ट्री को आज देखा है इस वीडियो में, एंड पर अगर हार देखा जाए ना सही मायनों में, तो वो औरंगजेब की हुई है। क्योंकि जो जो उसने शर्तें रखी वो तो वो माने ही नहीं, और वो लोग इतने डिटर्मिन थे अपनी मट्टी को लेकर, अपनी हर चीज को मतलब असूलों को लेकर, और इतना यार मैं सोच रही हूँ कि लाइक स्किन उतारना, आई मीन कहाँ कहाँ से ऐसी आपके दिमाग में सोच आती है कि आप इतने ज़्यादा वहशी बन जाओ कि मतलब मुझे तो लगता है कि आप
पता नहीं किस लेवल तक गिर जाते हो इस तरह की हरकतें करते हुए। और ऑनेस्टली बताओ, मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे लोग होते हैं जो अभी भी इतनी क्रूरता के साथ लोगों को तकलीफ देते हैं, और शायद उनको अच्छा फील होता है कि हम अगर तकलीफ देंगे इंसान को तो हम एक वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके तो इस तरह की एक उनको जीत मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो इंसान की जीत नहीं होती, वो उसकी हार होती है। यार असल में जो ना, मैंने एक चीज़ देखी, जो इंसान जुल्म कर रहा था या गलत कर रहा था ना, उसे ये चीज़ फील नहीं होती कि यार वो जो है ना कुछ गलत कर रहा है। मे बी शायद उसके आस पास जो लोग होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उसे जान बूझ कर उस चीज़ को जो बढ़ावा देते हैं। लेकिन इंसान की खुद की भी अकल होती है भाई, कि अगर आपको कोई इस तरह का मशवरा दे रहा है तो मतलब आपको किस तरीके से आगे से डिसीजन लेना चाहिए। इंसान है ना जिसे मेरा ख्याल है शुरू से यही चीज जो है वो सिखाई जाए कि हाँ भाई तुम ये कर रहे हो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, अजी हजूरी वाला एक जो है वो सीन हो, तो अगर उसे पूरी जिंदगी ये चीज रियलाइज ही ना करवाई जाए तो मेरा ख्याल है कि उससे जो है ना वो एंड तक ही ये चीज जो है वो रियलाइज नहीं होती। मेरा मानना ये कि आप खुद जैसे होते हैं ना, आप ही सराउंडिंग में भी वैसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उन्हीं की वजह से आप ऐसे डिसीजन लेते हैं। समझाने वाले लोग आपको अच्छे नहीं लगते। आपकी जैसी एनर्जी होगी आप वैसी ही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। तो जैसे वो खुद शुरू में तुमने बताया कि भाई उसने अपने भाई को मार दिया, इतना जालिम आदमी, उसने अपने बाप को उसका सर बाप को कैद में डाल दिया। हाँ, तो और क्या मतलब उससे नेगेटिव आदमी हम क्या देख सकते हैं। फिर उसके बाद भाई इतना ज्यादा कोशिश करने के बावजूद देखो बात होती है सारी बुद्धि की, ठीक है ना, वो नहीं हरा सका। ताकत हर चीज में जरूरी नहीं होती, आप कितना स्मार्ट वर्क करते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और वो हम लोगों को जो संभाजी महाराज हैं उनके जो काम है उसमें भी नजर आया कि जिस तरीके से उन्होंने तीर में बारूद बनाकर वो एक स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि भाई आप हमेशा तब गिरते हो जब आपके घर वाले जो होते हैं ना उनमें से कोई आपके अगेंस्ट जाता है। और ये हमने हिस्ट्री में जितनी भी वीडियोस देखी हैं या हमने जितनी भी मूवीज देखी हैं उनमें भी हमने यही चीज देखी है कि जितने बड़े राजवाड़े थे या फिर जो जितनी पावर थी वो तभी खत्म हुई है जब आपके किसी अपने ने गद्दारी जो भी बड़े एम्पायर्स। और ये आज भी ऐसा होता है, अगर हम अपने घरों में भी ये चीज देखें ना तो हम लोगों को नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि हम इग्नोर करते हैं उन चीजों को। बट ये चीज एग्जिस्ट करती है कि आपके अपनों में से कोई ऐसा होता है जो आपके अगेंस्ट चीजें कर रहा होता है और आपको गिराने में जो है वो मतलब बहुत ज्यादा बिजी रहता है और आपको नहीं पता चल रहा होता। तो मैं ये बात कहूंगी कि चीजें ऐसे नॉर्मल नहीं होती, लाइक आपको सोचना चाहिए कि भाई ऐसे इवेंट्स क्यों हो रहे हैं। बट जैसे वो गुप्त रास्ते से जा रहे थे और जो उनका ब्रदर इन लॉ है उन्होंने वो चीज़ जो है वो मतलब कि हालांकि अगर इंसान सोचे तो ये भी सोच सकता है कि मतलब अगर वो ये भी सोचते थे कि अगर वो उस चीज़ के लिए केपेबल नहीं थे उन्होंने उनको नहीं रखा, लेकिन अंदर ग्रज पाल लेना और ये चीज़ें हमें आज के टाइम में नज़र आती हैं ना कि अपनों को किसी पोजिशन पर हायर कर देना, जो केपेबल लोग हैं उनको नहीं रखना। तो असूल पसंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में जिस तरीके से फिर उनकी कम्युनिटी ने उठकर एक आप कह लो कि एक धावा बोला, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी ये वीडियो। और इसी के साथ हमें गुड बाय।